अगर आपका ये मूड बन रहा है पुनीता कि थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखनी चाहिए, बल्क ऑफ द गेन्स हैव ऑलरेडी बीन मेड, तो क्या आप कुछ डिफेंसिव स्पेसेस की तरफ देखेंगे जो कई साल से बहुत नहीं चले, अभी एक साल से फार्मा इंप्रूव करना शुरू किया है, क्या वहां पर देखना चतुराई होगी? देखिए, वैसे भी ये साल आप जेरेमी सीगल जो कि बहुत ही ज्यादा स्टॉक मार्केट के प्रोपोनेंट रहे हैं, वॉटन स्कूल के हैं, मैं भी वॉटन से ही हूँ तो उनको थोड़ा बहुत जानती हूँ, तो वो मेरा भी यही व्यू है कि इस साल में वैल्यू पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो है इंडिया में ग्रोथ स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स, स्मॉल कैप्स, ये बहुत चले हैं, तो पॉकेट्स ऑफ वैल्यू जो है उस पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जहां पर क्योंकि जो इकोनॉमी है उसका जो ग्रोथ है वो जनरली सारे सारी इकोनॉमी को बेनिफिट करेगी। तो जैसे आपने कंज्यूमर स्टॉक्स का बोला या आईटी का बोला, ऐसे और भी कई सारे पॉकेट्स हैं लार्ज कैप में स्पेशली जहां पर वैल्यू इमर्ज हुई है। पीएसयूज में अभी भी थोड़ी वैल्यू दिखती है, तो सेफर तो यही होगा कि थोड़ा सा आप ग्रोथ से, मोमेंटम से वैल्यू की तरफ शिफ्ट करें। थोड़ा सेफ्टी होना चाहिए क्योंकि स्टॉक्स में कभी भी करेक्शन आ सकती है, क्योंकि तीन फैक्टर्स इस साल मैक्रो में अभी चल रहे हैं। एक तो है इलेक्शंस, और वो सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस इलेक्शन मेरे ख्याल से ज्यादा कंटेंशियस है, ज्यादा डिफिकल्ट है। साथ में इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत होप बनी हुई है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे, और तीसरा है जियोपॉलिटिक्स, जो कि कोई ध्यान ही नहीं उस पे दे रहा है, पर जियोपॉलिटिक्स में काफी सारे डिफिकल्ट इक्वेशंस बन रहे हैं मिडल ईस्ट में, तो उस पे ध्यान देना जरूरी है, उधर से भी कुछ नेगेटिव आ सकता है। जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है? मिडिल ईस्ट में आपको उम्मीद है या चाइना साइड से कुछ हो सकता है? देखिए, कुछ कह नहीं ओके सकते, ओके पर अभी इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस और रशिया का भी यूक्रेन से चल रहा है, उधर सब मार्केट्स जो है उनको एकदम इग्नोर ही करी हुई है, पर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म में बनेंगे ही। और आप देखिए रेड सी में जो फ्रेट रेट्स हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी पे आएगा। अभी शिपिंग कंपनी से बात कर रही थी, वो बोले कि हम लोग को तो बहुत फायदा हुआ क्योंकि शिपिंग रेट्स बहुत बढ़ गए हैं, पर जो शिप करने वाले हैं या कंज्यूमर्स हैं उनको तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर आएगा ही, क्योंकि कॉस्ट अगर आपके शिपर्स की बड़ी है तो वो कंज्यूमर्स को कहीं ना कहीं तो पास ऑन होगी, तो ऐसे सप्लाई चेन में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा अगर वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। ये एक उदाहरण है।